हम लोग प्रियर स्कूल के टीचर्स हैं। 8 महीने से स्कूल बंद है, बहुत परेशानी में जा रहे हैं हम लोग। और कई ऐसे टीचर्स हैं जिसकी सिर्फ टीचिंग करने से ही घर चलता है। 8 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। फीस वसूल ना होने पर ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल की जानिब से भूख हड़ताल। नवाब साहब कुंटे में वाकई स्कूल के स्टाफ मेंबर्स फीस वसूल ना होने पर कस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं और हुकूमत के जानिब से कोई मदद नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर जा बैठे, जिसमें सदर बहादुरपुरा मंडल TRSMA अहमद इदरी शरीफ, डायरेक्टर ब्रिलियंट मिशन हाई स्कूल और टीचर्स ने भी हिस्सा लिया। हम लोग ब्रिलियंट स्कूल के टीचर्स हैं। 8 महीने से स्कूल बंद है, बहुत परेशानी में जा रहे हैं हम लोग। और कई ऐसे टीचर्स हैं जिसकी सिर्फ टीचिंग करने से ही घर चलता है। 8 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो जल्द से जल्द स्कूल्स खोलें, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो फीस क्लियर करें तो टीचर्स को भी थोड़ी सी मदद। तो पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो स्कूल्स में फीस बने ताकि टीचर्स को भी थोड़ी हेल्प हो सके, और गवर्नमेंट से ये अपील की जाती है कि स्कूल जल्द से जल्द खोले ताकि जो टीचर्स परेशान हैं, जो बेरोज़गार है जिसकी घर पास सिर्फ टीचिंग से ही चलती है, वो लोग को मदद मिल सके और वो लोग की रोज़ी फिर से स्टार्ट हो सके, शुरू हो सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद हामिद शरीफ, मैं इसी स्कूल ब्रिलियंट स्कूल टीचर हूँ, हायर क्लासेस को पढ़ाता हूँ। तो मैं ये देखा हूँ कि अभी तक जो है कोई स्कूल वगैरह 8 महीने से बंद होने से ना स्कूल में कोई किसी किस्म का जो है पेरेंट्स की तरफ से ना कोई रिस्पॉन्स है। इवन ऑनलाइन क्लासेस होने के बावजूद भी टीचर स्टूडेंट्स का कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है। तो इस वजह से जो है बच्चों का जो है, जब वो दोबारा जब स्कूल में जब कभी भी आएंगे, अगर आइंदा साल से या कभी भी, तो बच्चे जब आएंगे हायर क्लासेस में तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं होंगी। अगरचे कि वो हायर क्लासेस में आएंगे लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होंगी, तो उसकी वजह से उनको बहुत लॉस होगा, क्योंकि टीचर के साथ जब स्टूडेंट फिजिकली क्लास में रहता है तो उसकी एबिलिटी, उसकी जो सोच, उसकी समझ, हर चीज़ में जो है चेंजेस आते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो आगे अपने फीसेस जो है प्रीवियस, कम से कम प्रीवियस जो जो इनके ड्यूज हैं वो उसको अदा करेंगे तो टीचर्स का जो है कुछ आगे भला होगा, क्योंकि कई टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की बुनियाद पे ही वो लोग आगे अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि ईश्वर्य रेड्डी दिल्ली में जो है दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन ली थी मार्च 2019 में, लेकिन क्योंकि उसके पास कुछ भी घर जो है, उसके पेरेंट्स जो है बहुत गरीब लोग थे, तो उसकी वजह से वो लोग ये गैजेट्स वगैरह खरीद नहीं सके, तो उसकी वजह से वो अपने ऊपर प्रेशराइज कर लेके अपने सुसाइड कर ली। ये खुद न्यूज़ में आया था और हमारे KTR साहब जो है वो खुद जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उनको खुद इस बारे में हमारे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो हमारी ये इनसे रिक्वेस्ट है KCR साहब से और KTR साहब से कि स्कूल्स को जल्द से जल्द खोलें ताकि बच्चों का भी भला हो, टीचर्स का भी भला हो, और बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी नहीं सीखते, हम खुद इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तजुर्बा हमको हो रहा है। तो बच्चों का जो है स्कूल, अगर स्कूल को आएंगे, स्कूल खोलेंगे, ठीक है, हम उसका पैंडेमिक जो कुछ भी गाइडलाइंस है हुकूमत के थ्रू हम उसको फॉलो करते हुए हम जो है इस बात का वादा करते हैं कि स्कूल को पैंडेमिक लेवल पे उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम स्कूल को चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट से इजाज़त की ज़रूरत है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हम गवर्नमेंट से एक हम्बली एक रिक्वेस्ट है, हमारी इतनी ही गवर्नमेंट से गुजारिश। थैंक यू।